क्या आईबीसी ऑर्गेनाइज्ड लूट के लिए लाया गया था? क्या आईबीसी अपने क्रोनी दोस्तों को मोनोपोली डेवलप करने के लिए सेक्टर्स में थ्रो अवे प्राइसेस में कंपनियां पकड़ाने के लिए लाया गया था? जो क्रेडिटर्स का पैसा था, जो अन्य बैंकों का पैसा था, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा था, वो डूब गया। बैंकों से पैसा लो, डिफॉल्ट करो, डिफॉल्ट करने के बाद अब बैंक जाएगा आईबीसी में, 17.6% बैंक को वापस दे दो और खत्म, कुछ नहीं। ये क्या ऑर्गेनाइज लूट नहीं है तो क्या है? अधिकांश लोग 2 जून की रोटी के लिए इधर उधर भागते हैं और आज 2 जून ही है, पर एक जगह छप्पर फाड़ के पैसा बरस रहा है। और मैं आपको कहता हूं, ये दूसरी ऑर्गेनाइज्ड लूट है देश की। और उस छप्पर फाड़ के जहां पैसा बरस रहा है, पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। देश में आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब 2016 से लेके वित्तीय वर्ष 2023 तक जितने केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में गए, और कौन जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में? जो यूनिट बैंकों को पैसा वापस नहीं कर पाती है जेन्युइन या कोई अन्य कारणों से, उनमें से मात्र 17.6% की रिकवरी हुई है। अर्थात जितने आईबीसी में केसेस गए उसमें से लगभग 83% पैसा राइट ऑफ हो गया, हेयर कट हो गया। ये ऑर्गेनाइज लूट नहीं है तो क्या है? जितने केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के सामने गए, और ये डाटा भारत सरकार के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, जितने केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के सामने गए उसमें से 75% केसेस में तो स्क्रैप सेल्स हो गई। मतलब जो भंगार के भाव कंपनियां बिक गई। और टोटल जितने केस गए उसमें से रिकवरी हुई 2016 से लेके वित्तीय वर्ष 2023 तक मात्र 17.6%, अर्थात 82.4% जो पब्लिक सेक्टर बैंकों का पैसा था, जो क्रेडिटर्स का पैसा था, जो अन्य बैंकों का पैसा था, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा था, वो डूब गया, उसका कोई अता पता नहीं है। जो यूनिट आईबीसी में जाती है वो क्या करती है कि आईबीसी के जाने के बाद अपने जो इंपॉर्टेंट एसेट्स है उसको बेच देती है। जैसे कोई रियल एस्टेट कंपनी है, आईबीसी में गई, उसके पास 50 एकड़ का लैंड था, उसको बेच दिया उन्होंने। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं एसेट स्ट्रिपिंग। पिछले 8 सालों में 2,85,000 करोड़ की एसेट स्ट्रिपिंग हुई, और सरकार ने उस एसेट स्ट्रिपिंग से कितना रिकवरी करी? 2,85,000 करोड़ का मात्र 1.8%, 2% भी पूरा नहीं। 2,85,000 करोड़ की एसेट स्ट्रिपिंग हुई जो यूनिट आईबीसी के तहत गई, क्योंकि वो बैंकों को अपना ऋण समय पे नहीं चुका पाई। वो 2,85,000 करोड़ के उन्होंने इंडिविजुअल एसेट मार्केट में बेच दिए जो कि इल्लीगल थे। उनमें से आईबीसी कितना रिकवर कर पाई? मात्र 1.8%, 2% से भी कम। ये क्या ऑर्गेनाइज लूट नहीं है तो क्या है? और अब आते हैं, अडानी ग्रुप ने इसमें क्या क्या काम किया उसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट लेके आया हूं। अडानी ग्रुप ने इसका उपयोग करा पोर्ट और पावर कंपनियों को खरीदने में, और औने पौने दाम में। 3 कंपनियां 1,000 करोड़ से ज्यादा के मूल्य की, जहां पे उन्होंने रिजोल्यूशन किया 1,000 करोड़ से ज्यादा की, 3 कंपनियां उन्होंने ली। पहली कंपनी जिसका नाम है कराईकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसको देना था
2,997 अर्थात लगभग 3,000 करोड़ रुपया बैंकों को इस कंपनी को देना था, केपीपीएल को। अडानी ने बैंकों से सेटलमेंट करके आईबीसी के तहत ये पूरी कंपनी खरीद ली 1,583 करोड़ रुपए में। दूसरी कंपनी कोरबा वेस्ट पावर प्लांट, अडानी को इस कोरबा वेस्ट पावर प्लांट को बैंकों को 3,346 करोड़ रुपया देना था, आईबीसी के तहत अडानी ने इसको खरीद लिया 1,100 करोड़ रुपया देके। 3,346 बैंकों का ड्यू था, मिला कितना? 1,100 करोड़। और अभी तीसरी कंपनी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एसआर पावर, 12,000 करोड़ रुपया बैंकों को देना था इस कंपनी को, अडानी ने बैंकों को 2,500 करोड़ रुपया पकड़ा के ये कंपनी ले ली। ये आईबीसी की हकीकत है, और ये सारा आंकड़ा मैंने सरकार के पुष्ट सोर्सेस का आंकड़ा है। इस बाबत हमारा एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, और वो सवाल ये है, इज क्या आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, क्या आईबीसी ऑर्गेनाइज्ड लूट के लिए लाया गया था? क्या आईबीसी अपने क्रोनी दोस्तों को मोनोपोली डेवलप करने के लिए सेक्टर्स में थ्रो अवे प्राइसेस में कंपनियां पकड़ाने के लिए लाया गया था? और ये मैं ही नहीं कह रहा, संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया। उस पार्लियामेंट्री कमेटी का हवाला देके मैं कोट करना चाहता हूं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2021 में कहा कि सीरियस कंसर्न्स है आईबीसी में, जिस तरह औने पौने दामों में कंपनियां आईबीसी में जाती है और दूसरी कंपनियों के हवाले हो जाती है, 10% 15% 20% की वैल्यू पे, और 83% बैंकों को लॉस हो रहा है, तो जो थ्रो अवे प्राइस है उसका कोई बेंचमार्क होना चाहिए, ये 2021 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला। पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। 2023 में हालात ये है कि हम 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं, पर जो रिकवरी के लिए कंपनी आ रही है आईबीसी में, उससे रिकवरी हो रही है मात्र 17.6%, अर्थात 84% का कोई रिकवरी नहीं। बोला गया ये बिग बैंग रिफॉर्म है, इससे देश की बैंकिंग स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, देश में बैंकों की रिकवरी बढ़ जाएगी। उस समय जो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था, वहां पे 25% रिकवरी होती थी, और आईबीसी आने के बाद वो रिकवरी मात्र 17.6% रह गई। अर्थात जिस सिका सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, SICA जिसको हम कहते थे शॉर्ट में, जिस सिका को हटा के, जिस बाइफर को हटा के, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को हटा के आईबीसी को लाया गया, ये कह के ढोल नगाड़े पीट के कि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, इससे बैंकों की रिकवरी पूरी बढ़ जाएगी, उसकी रिकवरी रही पिछले 2016 से लेके 2023, अर्थात पिछले 8 सालों की रिकवरी रही 17.6%, और सिका की रिकवरी थी 25%। साथियों, आपको याद होगा कि कौन कौन लोग हैं जो इन हेयर कट से लाभान्वित हुए हैं, उनका भी नाम लेके आया हूं, कई दोस्त लोग भी हैं, और उन दोस्त लोगों के कितने पैसे राइट ऑफ हुए इस आईबीसी के तहत, वो भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले आपके सामने एक पूरा पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कोई अगर यूनिट बैंकों को पैसा नहीं चुका पाती है, तो जो उसके देनदार है, क्रेडिटर है, वो आईबीसी के तहत कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं। आईबीसी दो तरह की कार्रवाई करती है, या तो वो यूनिट को लिक्विडेट कर दे, उसको बंद कर दे, या उस यूनिट को फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए कोई रेजोल्यूशन पारित करे। 75% जो यूनिट आईबीसी में गए वो लिक्विडेट हो गई, स्क्रैप सेल्स हो गई। मात्र 25% में रेजोल्यूशन चालू किया गया, और उन रेजोल्यूशन में भी आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2016 से लेके वित्तीय वर्ष 2023 तक रिकवरी मात्र 31.8% हुई। अर्थात जहां पे इसको वायबल बनाया गया, वहां भी 68% बैंकों को नुकसान।
जहां वायबल नहीं बनाया गया, जहां लिक्विडेशन का निर्णय किया गया, वहां रिकवरी है मात्र 5.6%, अर्थात 94% बैंकों का नुकसान। और अगर हम इन दोनों को मिला के ओवरऑल देखें तो ओवरऑल रिकवरी हुई आईबीसी में मात्र 17.6% इन लास्ट 8 ईयर्स। मतलब सबसे बेस्ट चीज क्या हो गई, बैंकों से पैसा लो, डिफॉल्ट करो, डिफॉल्ट करने के बाद अब बैंक जाएगा आईबीसी में, 17.6% बैंक को वापस दे दो और खत्म, कुछ नहीं, आपका रफा दफा हेयर कट हो गया 84%।